आप समझ लीजिए कि लालू यादव बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 के पहले वाली स्थिति में, और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। तो लालू जी की इस साजिश को लोग नहीं थोड़े समझ रहे हैं, लालू जी की साजिश को लोग समझ रहे हैं, इसलिए उनकी साजिश में कोई नहीं आने वाला। सब साजिश लालू यादव जी की है, अब उस साजिश में आम लोग आ जाएंगे कैसे संभव है? नहीं संभव है। जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं ना, सारी साजिश लालू यादव जी की है और कुछ भी नहीं, इसको दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। टोटल साजिश लालू यादव जी की है, और लालू यादव जी हमारे रास्ता में तो कांटा बोते रहे हैं, आगे भी बोएंगे, हम जानते हैं। तो इसलिए अब उनका दिन लद गया। लालू जी पहले जो करते थे, अब बिहार की जनता समझ चुकी है 15 साल तक क्या कर होता रहा, सब लोगों ने देखा है। अब एक लालू जी की बातों में आकर कहीं से कोई दिग्भ्रमित हो जाए और फिर से लालटेन जलने लगे, यह कोई नहीं चाहेगा। टोटल साजिश लालू जी की है, साजिश में लोग नहीं आने वाले। इसके इशारे पर कौन सी बेड रेस्ट की सलाह दे रहा है? क्या प्रधानमंत्री की बेड रेस्ट की उम्र हो गई है? अपने पिताजी को पहले सलाह दे ना, यह सलाह अपने पिताजी को दे, बीमार भी रहते हैं, उम्र भी है, तो अपने पिताजी को देखिए, कोई भी सलाह कोई व्यक्ति दे तो उसकी शुरुआत पहले अपने आप से करे, पहले अपने पिताजी को दे। हमारे प्रधानमंत्री जी, आज तक कभी सुना है आपने, जब से प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, कभी बीमार पड़े हो, कभी छुट्टी मनाई हो उन्होंने, कभी सुना है? तो इतना एनर्जेटिक प्रधानमंत्री जी खुद अपने स्वास्थ्य को बना कर रखे हैं, और उसके बावजूद इस तरह का बचकाना कोई बात करे, क्या मतलब इसका? अंतिम चरण का आज प्रचार खत्म हो रहा है, राजनीति में कौन से अंतिम चरण का 6-5 जगह आज मतदान, अंतिम चरण का आज प्रचार खत्म हो रहा है, उसके बाद 5वें चरण के बाद क्या स्थिति है पूरे देश और खासकर बिहार में? सर देखिए, पूरे देश की बात की जानकारी मुझको थोड़ी कम है, क्योंकि चुनाव प्रचार में हम इतना व्यस्त हैं, लेकिन बिहार की जानकारी है, और बिहार की जानकारी के अनुसार 40 में 40 की जो कोशिश हम लोगों की है, वह कोशिश बिल्कुल सफल होगी। जहां जहां मतदान हुआ है उस खबर के आधार पर भी हम कह रहे हैं, और जहां होना है उस अनुमान के आधार पर भी। हाजीपुर सारण में क्या रहेगा सर? सब जगह हम तो 40-40 बिहार भर में सभी सीटों के बारे में कह रहे हैं, कोई एक जगह नहीं, सभी जगह के बारे में कह रहे हैं कि बिल्कुल जो NDA ने कहा है पहले, लोग भी मान रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उसमें 40 का योगदान देने की ड्यूटी हम लोगों की है, बिहार के लोगों की है, तो 40 में 40 होगा। जी राहुल जी बोल रहे हैं कि समझदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो BJP भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इस अफवाह का कोई मतलब नहीं। आपकी लड़ाई इस बात है कि स्वर्ण वोट में तो सेंध लग रहा है, कहीं सेंध नहीं लग रहा। आप सवर्ण लोगों को क्यों इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग, अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया, सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट हो, कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोगों को मालूम है, और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिला जुला कर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। NDA एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आम लोग NDA के साथ है। सर,